नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यालय से कल्प तरु राष्ट्रीय परियोजना का राजस्थान के राज्यपाल महामहिम कलराज मिश्र जी ने किया आगाज। 75 लाख वृक्षारोपण एवं संरक्षण करने का लक्ष्य। विश्व पर्यावरण दिवस पर देश में ब्रह्मकुमारीज द्वारा आयोजन। जल, जमीन, जंगल और जानवर के संरक्षण का दिया संदेश। और इंटरनेशनल डे फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन के तहत मॉस्को में भारतीय और रूसियों के लिए स्पेशल गेट टुगेदर। सद्भावना और आपसी प्यार के लिए बच्चों को देश की संस्कृति और रिवाजों से कराया वाकिफ। अब खबरें विस्तार से। आज से नहीं, सदियों से महापुरुषों ने जल, जंगल और जमीन को सहेजने का संदेश दिया है। उनके प्रयासों से चंद लोग जागरूक भी हुए, लेकिन अब पर्यावरण को बचाने के लिए अगर हमने ठोस कदम नहीं उठाए तो शायद ही मानव जाति बच पाए। इस बात को गंभीरता से लेते हुए ब्रह्म कुमारी संस्था ने 75 लाख पौधे लगाने एवं उनके संरक्षण का बीड़ा उठाया है, जिसका आगाज 50वें विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर संस्था के मुख्यालय माउंट आबू स्थित एकेडमी फॉर बेटर वर्ल्ड यानी ज्ञान सरोवर से राजस्थान के राज्यपाल महामहिम कलराज मिश्र जी ने किया। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर राष्ट्रीय अभियान के तहत आयोजित इस परियोजना का नाम है कल्प तरु, जिसका उद्घाटन राज्यपाल जी ने संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी संतोष दीदी, कार्यकारी सचिव बी के मृत्युंजय, संस्था के चिकित्सा प्रभाग के उपाध्यक्ष बी के डॉक्टर प्रताप मिड्ढा समेत संस्था के कई सदस्यों की मौजूदगी में किया। प्रकृति के साथ समुचित तौर पर तालमेल बैठाकर चलने का प्रयास करना, यही पर्यावरण को शुद्ध रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, क्योंकि प्रकृति के साथ हमारा सामंजस्य व्यवस्थित है। अब प्रकृति के साथ सामंजस्य है तो कभी भी पर्यावरण न तो प्रदूषित होगा न विकृत होगा। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा 25 वर्षों से लेके ये जो गार्डन्स की सेवा चल रही है, इससे म्युनिसिपैलिटी में सेवा प्रभाग का एकदम ऊपर नाम है, क्योंकि इससे काफी लोगों को फायदा हुआ। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये समझता है जो मनुष्य की वृत्ति है, अगर उसमें परिवर्तन होगा तो वातावरण में परिवर्तन होगा। आज जो एक्सप्लाइटेशन हुई है, आज जो हमने वातावरण को अपने स्वार्थ के लिए प्रभावित किया है, उन स्वार्थ से हमें ऊपर उठना होगा। और वही हमारे राज्यपाल महोदय हम सबसे ये चाहते हैं कि हम केवल एक ही बात सोचें कि ये धरती एक है, ये राष्ट्र एक है, इसकी संभाल हमें ही करनी है और हमें ही इसको आगे बढ़ाना है। हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस हमारा लक्ष्य है, परंतु ऐसा एक समृद्ध, समर्थ विश्व गुरु भारत बनाना है, इसका लक्ष्य को हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बारंबार हम सबको अनेक योजना के माध्यम द्वारा, प्रेरणा के माध्यम द्वारा, कर्तव्य बोधन करके इस देश को एक बहुत ऊंची तरफ ले जा रहे हैं। हम सब इसका सहयोगी है। इस दौरान उन्होंने ट्रॉमा सेंटर के नजदीक 20 एकड़ में बनने वाले आरोग्य वन का अनावरण और आजादी के अमृत महोत्सव की थीम पर निर्माण किए गए 2 गीतों का उद्घाटन किया। नया भारत हो रहा तैयार है, आया आया सुनहरा संसार। ऐसे ही पर्यावरण दिवस के मौके पर माउंट आबू स्थित पीस पार्क पर तैयार की गई विशेष डॉक्यूमेंट्री को लॉन्च किया गया। पीस पार्क की खूबसूरती और रूहानी वातावरण को विश्व पटल पर लाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा ये डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई है। इस डॉक्यूमेंट्री में पीस पार्क की संकल्पना से लेकर आज तक का पूरा सफर दिखाया गया है। Thank you.
यह पार्क दूसरे किसी अन्य पार्क से क्यों अलग है, इसे भी विस्तार से दिखाया गया। आप इस डॉक्यूमेंट्री को पीस ऑफ माइंड टीवी और ओम शांति यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में प्रशासन द्वारा आयोजित सिंगरौली महोत्सव में योग शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्म कुमारी सिंगरौली सेवा केंद्र की बीके बहनों को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया। राजमाता चुन कुमारी स्टेडियम में आयोजित इस योग शिविर में आयुक्त आरपी सिंह, उपायुक्त सत्यम मिश्रा, कार्यपालन यंत्री वीबी उपाध्याय, बीके शोभा मुख्य रूप से उपस्थित रहे और योग किया। इस दौरान हजारों लोगों की सभा को संबोधित करते हुए बीके शोभा ने राज्यों के विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि शारीरिक संतुलन के लिए जिस प्रकार व्यायाम जरूरी है, उसी प्रकार मन को पावरफुल और पीसफुल बनाने के लिए राजयोग मेडिटेशन जरूरी है। इसके अलावा पर्यावरण दिवस के इस मौके पर ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा पूरे देश भर में हजारों जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। चलिए आपको दिखाते हैं उन कार्यक्रमों की झलकियां। भारत फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी। खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। इंटरनेशनल डे फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन के तहत रूस की राजधानी मॉस्को स्थित ब्रह्म कुमारी सेंटर पर गेट टुगेदर प्रोग्राम रखा गया, जिसमें रूसी और भारतीय मूल के बच्चे एक साथ खुशियां मनाने एकत्र हुए। कार्यक्रम की शुरुआत मॉस्को की डायरेक्टर बीके सुधा, ब्रह्म कुमारी एक्टिविटी के कोऑर्डिनेटर बीके विजय के प्रेरक स्पीच से हुई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारतीय बच्चों को रूसी संस्कृति एवं रूसी बच्चों को भारतीय संस्कृति से वाकिफ कराना था, ताकि उनके अंदर भाईचारे की भावना बेहतर हो सके। इसके लिए एक नायाब तरीका अपनाया गया। बीके मेंबर्स ने एक द रशियन रूम बनाया, जिसमें भारतीय बच्चों को भेजा, और द इंडियन रूम में रूसी बच्चों को, जहां बच्चों को देश की संस्कृतियों, रिवाजों और मूल भाषाओं से अवगत कराया गया।
कार्यक्रम के दौरान प्लैनेट अर्थ को अपने गुड विशेष भेजने के लिए बच्चों ने ग्लोब को सुंदर कागजों के फूलों से सजाया, जिसमें बच्चों ने अपने ड्रीम्स और गुड विशेष लिखे थे। प्रोग्राम के अंत में बच्चों और उनके पेरेंट्स ने दिल खोलकर पारंपरिक गीतों पर डांस किया। मिलजुल कर डांस करने का ये नजारा ऐसा लग रहा था जैसे दोस्ती और सद्भाव की भावना में सबके दिल एक साथ डांस कर रहे हों। हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें और पीस न्यूज बुलेटिन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पीस न्यूज गॉडलीवुड को सब्सक्राइब करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेते हुए इजाजत, नमस्कार, ओम शांति।